सो हाय गाइस, दिस इज सुनील मालविया। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे और अनोखे गैजेट्स या स्मार्टफोन गैजेट्स जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अनोखे हैं और ऐसे हैं जो आपने शायद कभी नहीं देखे हैं, एकदम फ्यूचरिस्टिक। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। दोस्तों, हमारे सबसे पहले गैजेट का नाम है फ्लिप स्क्रीन। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मिलेगी 3 फ्लेक्सिबल कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन और हर एक स्क्रीन सॉफ्ट स्टील हिंज से कनेक्टेड है। हर एक स्क्रीन पर आप एक डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं या फिर एक ही एप्लीकेशन हर एक स्क्रीन पर। इस स्मार्टफोन को बुक की तरह यूज कर सकते हैं या फिर एक स्टैंड लैम्प की तरह या फोटो स्लाइड शो की तरह जो आप अपने बेडरूम में देखते हैं या फिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर दोस्तों आप एक अलार्म क्लॉक की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इस बढ़िया से फोन के साथ में। इस फ्लिप फोन पर आपको कीबोर्ड भी बहुत सेक्सी दिया गया है जहाँ पर एक स्क्रीन पर आप देख पाएंगे और दूसरे स्क्रीन पर आप टाइपिंग कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर इस फोन को आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये फोन अब तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। जब भी ये लॉन्च होगा, मैं इसका परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल जाए जब भी ये फोन आपको खरीदना हो। दोस्तों, कंपनीज ट्राई करती है एक ऐसा स्लिम फोन बनाने की जो हर किसी को पसंद आए, पर इस कंपनी ने तो 4 इंच साइज बड़ा ही फोन बना दिया। आइए जानते हैं क्यों। इस फोन का नाम है Energizer Power Max P18 K-Pop। ये फोन थोड़ा यूनिक है। इसकी मोटाई लगभग 18 मिलीमीटर के आसपास है और इसे कंपेयर करें आईफोन X के साथ तो आईफोन X की मोटाई 7.7 मिलीमीटर है। मतलब ये बहुत ही बड़े साइज का फोन है। एक्चुअली दोस्तों, इसके अंदर दिया गया है एक मैसिव साइज का पावर बैंक, एक रिकॉर्ड तोड़ देने वाली बैटरी जिसकी कैपेसिटी है 18,000 mAh। यानी कि आप इस फोन को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में 50 दिन तक यूज कर सकते हैं। और देखें तो इसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है, वो भी रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ। खरीदना है तो जरूर खरीदे, ये फोन आपको आसानी से मिल जाएगा। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, 2019 फोल्डिंग फोन का जमाना है। जैसे सैमसंग थोड़ा फेल हुआ अपने फोल्डिंग फोन को लेकर, वहीं पर LG, Lenovo और ऑफकोर्स Huawei ट्राई कर रहे हैं फोल्डिंग फोन को लॉन्च करने की तैयारी। Huawei का Mate X 2019 में एक बेहतर फोल्डिंग फोन हो सकता है क्योंकि उसे लगे हैं 3 साल इस फोन पर रिसर्च करने के लिए। इस फोन को हाल ही में दिखाया गया है फरवरी के इवेंट में जो बार्सिलोना में हुआ था। ये फोन एक परफेक्ट स्क्वायर में आपको मिल जाएगा। साइज है लगभग 18 इंच, यानी कि 18 इंच की स्क्रीन आपको इस पर मिल जाती है। और मोटाई की बात करें तो 5.4 mm की मोटाई है। साथ ही में सुपर चार्जर टेक्नोलॉजी के साथ ये फोन आपको मिल जाएगा जो लगभग आधे घंटे में 85% तक चार्ज कर देगा आपके फोन को। है ना एक बढ़िया सा फोन। तो वैसे ये फोन अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च बहुत जल्दी होगा। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे अगले गैजेट का नाम है ग्राल फोन। दोस्तों, ये एक ऐसा फोन है जो टैबलेट बन सकता है, कंप्यूटर बन सकता है, स्मार्टफोन बन सकता है और साथ ही साथ 2D 3D कैमरा परफॉर्मिंग भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। किसी भी जगह पर आप 7 इंच का कंप्यूटर ओपन करके इस गैजेट का यूज कर सकते हैं। इस गैजेट का यूज करते हुए आप 7 इंच के कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं एक जेन्युइन कीबोर्ड के साथ में, एक विंडोज बेस्ड PC या फिर एक एंड्रॉयड फोन या फिर दोस्तों एक एंड्रॉयड टैबलेट। है ना एकदम खास और एकदम यूनिक गैजेट। ये फोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाएगा विद फुल HD स्क्रीन और एक हाई एंड कैमरा जो लगभग 2D 3D ऑप्टिकल जूम के साथ मिल जाता है। सो दोस्तों, ये है एक 4-in-1 गैजेट। उम्मीद है ये गैजेट शायद आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। अगर ये गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया है तो जरूर एक लाइक बटन इस वीडियो के लिए दबाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आखिरी गैजेट की तरफ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2019 के सबसे कंट्रोवर्शियल फोन के बारे में जो है सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड। ये फोन मार्केट में आने से पहले ही इसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया गया। रीजन, सैमसंग ने ये फोन बहुत से यूट्यूबर्स को दिए थे रिव्यू के लिए, बट रिव्यू करते वक्त ये फोन बंद हो गए या फिर इनके स्क्रीन का डिस्प्ले ही गायब हो गया। सो दोस्तों, ये सैमसंग का बहुत ही बड़ा फेलियर रहा और इससे सैमसंग की वैल्यू भी बहुत ही डाउन हो गई। वैसे ये फोन बहुत ही सेक्सी था, लुक में बहुत ही बढ़िया था। ये फोन की स्क्रीन साइज लगभग 7.3 इंच थी और फोल्ड होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया साइज का हो जाता था। और एक बढ़िया सी बात करें तो इसमें आपको ड्यूल स्क्रीन भी मिल जाती है
एक स्क्रीन आपको बाहर की तरफ और फोल्डेबल स्क्रीन अंदर की तरफ। बाहर की स्क्रीन पर आप फोन नोटिफिकेशंस और कॉल देख पाएंगे और साथ ही साथ इन फोन में बहुत ही बढ़िया कैमरे फीचर्स भी दिए गए थे। बट अफसोस की बात, सैमसंग को थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा इस फोन को लेकर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन तो इस वीडियो के लिए बनता है और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये गैजेट कैसे लगे हैं। और इस वीडियो को दोस्तों जरूर अपनी गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर, और स्क्रीन पर दिए हुए फोटो को क्लिक करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।